तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एमए रसोई में। आज मैं आपको ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बिना आलू के ब्रेड पकौड़ा बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं। आप जब कभी भी किसी को बना के खिलाओगे तो आप बोकुआ कभी यकीन नहीं करेगा कि आपने बिना आलू का ब्रेड पकौड़ा बनाया है, इतना टेस्टी लगता है। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिना आलू का ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए जी मैंने बेसन ले लिया है, ग्राम में बेसन जी 50 ग्राम बेसन है। अब इसमें हम आधे चम्मच हम इसमें हल्दी डाल देंगे और स्वाद के अनुसार इसमें डालेंगे नमक। अब इन सबको अच्छे से हम मिला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अच्छे से हम घोल बना लेंगे। हमें बिना लम्स वाला घोल बनाना है, हमें अच्छे से मिलाना है ताकि हमारे घोल में लम्स एक भी न पड़े। हमें घोल को अच्छे से मिक्स करना है। देखिए घोल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इस तरीके का हमारा घोल बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें हम 1 से 2 चुटकी हम डालेंगे जो मीठा वाला सोडा है, जो हमारा मीठा सोडा होता है खाने वाला। घोल को अच्छे से मिला लेंगे। हमने घोल को देखिए मिला लिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे, हम हरी चटनी बनाएंगे जी। मैंने कुछ मूंगफली रखी है भुनी हुई, हम इसको डाल लेंगे इसमें। अब इसमें जी हम धनिया को डाल देंगे और जी मैंने 3 हरी मिर्च ली हैं, इनको भी इसमें डाल लेंगे और छोटी चम्मच से चौथाई चम्मच जी काला नमक भी डाल लेंगे इसमें। स्वाद अनुसार डालेंगे जी हम खाने वाला नमक। अब इसमें एक नींबू का रस डाल देंगे। अब इसमें हम छोटी चम्मच से 1 से 2 चम्मच हम पानी को डालेंगे। आप चाहो तो दही भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम पीस लेंगे। देखिए मैंने चटनी को मैंने पीस लिया है और निकाल लिया है मैंने एक कटोरी में। अब मैंने 4 से 5 मैंने ब्रेड ले लिया है। अब ब्रेड हमारे जो ताज़े हैं, आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं, वाइट वाली ले सकते हैं, ब्राउन वाली ले सकते हैं। अब इसमें हम जो चटनी को जो हमने पीस के रखी हुई थी इसको लगा देंगे चारों तरफ से अच्छे से। देखिए मैंने ब्रेड में चटनी चारों तरफ अच्छे से लगा ली है, इसी तरह मैं सारे ब्रेड में चटनी लगा लूँगी। देखिए मैंने सारे ब्रेड में चटनी लगा ली है। अब इस हम ब्रेड को क्या करेंगे, हम एक से इस तरीके से ब्रेड को हम लगा लेंगे इस तरीके से। हमने एक के ऊपर एक ब्रेड को हमें रख लेना है इस तरीके से। हम रख लेंगे। अब हम ब्रेड को हम कट कर लेंगे इस तरीके से। हम एक ब्रेड को उठाएंगे और हमें इस तरीके से हमें कट कर लेना है। देखिए इस तरीके से हमारी ब्रेड दिख रही है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है हमारी चटनी का। इसी तरीके से हम सारी ब्रेड को काट लेंगे। हम देखिए सारी ब्रेड को मैंने काट लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। मैंने गैस पे फ्राई पैन रख दिया है तेल गर्म होने के लिए। आप हमने रिफाइंड का तेल रखा है गर्म होने के लिए। आप घी से भी तल सकते हैं या कोई सा भी तेल हो उससे भी आप तल सकते हैं। अब तेल को हम अच्छे से कर लेंगे गर्म। देखिए हमारा तेल हल्का गर्म हो चुका है, हमें तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब हम जो घोल लेंगे और घोल में हम एक ब्रेड को इस तरीके से डिप कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमें बेसन को अच्छे से हमें लगाना है ब्रेड में, चारों तरफ अच्छे से बेसन लगना चाहिए। वो हम इस ब्रेड को इस तरीके से उठाएंगे और इस घोल में हम डाल देंगे। आपके एक साथ में जितने भी आ जाएं ब्रेड, आप उतने ब्रेड इसमें डिप कर दें। आप मैं एक ब्रेड और का डिप कर दूंगी इसमें। देखिए और गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। देखिए हमारे ब्रेड पकौड़ा हैं एक साइड से हल्के सिक चुके हैं। अब इन्हें हम आराम से पलटा देंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है हमारे ब्रेड पकौड़ा का। इस देंगे और गैस की फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे। हमें स्लो आँच में पकाना है।
देखिए हमारे ब्रेड पकौड़ा दोनों साइड से अच्छे से सिक चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इस तरीके से निकाल लेंगे हम, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है हमारे। इसी तरह से बाकी की हुई बची हुई ब्रेड भी उन्हें भी हम इसी तरह से सेंक लेंगे हम। इसी तरह से हम सारे ब्रेड पकौड़े सेंक लेंगे। इसी तरह से हम सेंक लेंगे और हमें गैस की फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे। देखिए मैंने सारे ब्रेड पकौड़े सेंक के तैयार कर लिए हैं, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। और ब्रेड हमारे ब्रेड पकौड़ा देखिए कैसे फूले फूले से लग रहे हैं, कोई नहीं देखकर कहेगा कि जे बिना आलू के ब्रेड पकौड़ा बने हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप एक बार इस तरीके के ब्रेड पकौड़ा ज़रूर बनाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको ज़रा सी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और जिनने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।